दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां पर हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संबंधित, आप देखेंगे अंशाल उठाकर वहाँ पर कई साल इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। दरअसल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, राइट। एक साइड में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र करेंगे, दूसरे साइड में हम प्रोटॉन के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखाते हैं या माइनस वन ई नॉट से दिखाते हैं, यहाँ पे हम केवल सिंबल लिखेंगे, लिखे उखेंगे नहीं नाम हम। प्रोटॉन को हम लोग पी से दिखाते हैं या वन पी वन से दिखाते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन भी एक तरीके से प्रोटॉन है। अब आपको सिंबल समझ में आ गया, पूछ लिया जाए किन में से इलेक्ट्रॉन है तो आप ये सिंबल समझ सकते हैं, किन प्रोटॉन है तो आप सिंबल समझ सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे.जे. टॉमसन। किसने किया था बच्चों? जे.जे. टॉमसन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जे.जे. टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। दरअसल इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जूलियस प्लकर ने किया था, जूलियस प्लकर ने किया था कैथोड किरणों में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कैथोड किरणों में। अगर कोई आपसे पूछ ले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, जूलियस प्लकर ने, उसके बाद इनके सिद्धांतों को, जूलियस प्लकर के सिद्धांतों को सबसे अच्छे तरीके से जे.जे. टॉमसन अध्ययन करके इनका नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जूलियस प्लकर ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ पर किया? कैथोड किरणों में। कहाँ पर किया? कैथोड किरणों में, राइट। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, हम एक एक पॉइंट वाली बात बताएंगे। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? सबसे पहले जूलियस प्लकर ने किया था। कहाँ पर? कैथोड किरणों में किया था। उसके बाद इनके नाम को किसने रखा था? जे.जे. टॉमसन। इन्हें माना जाता है जे.जे. टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है। अब चलिए प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। दरअसल प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम प्रोटॉन की खोज किसने किया था बताइए जल्दी, प्रोटॉन खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोजकर्ता जो थे वो आते हैं गोल्डस्टीन, राइट। कौन से वैज्ञानिक थे? गोल्डस्टीन। अगर प्रोटॉन की जब भी खोज की बारी आती है तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, राइट। अच्छा, गोल्डस्टीन ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था एनोड किरणों में, राइट। एनोड किरणों में इसका अध्ययन किया, छिद्रयुक्त कैथोड की विसर्जन नलिका में इसका जब अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं एनोड भाग से कुछ किरणें निकलती हैं जो कि कैथोड की ओर आकर्षित होती हैं। तो ये घटना किसने खोज की थी? गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकता है अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन है, कई कभी कभी सिंबल दे दिया जाता है इस प्रकार, निम्नलिखित प्रोटॉन है तो इस प्रकार, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? जे.जे. टॉमसन। कभी कभी ये पूछ, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन खोज कैथोड किरणों में किसने किया था? जूलियस प्लकर का। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन रहा है, राइट। सन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, 1897 में। 1919 में प्रोटॉन की खोज हुई थी, सॉरी 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज हुई थी, 1886 में। 1919 में रदरफोर्ड को भी माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। प्रोटॉन की जो खोजकर्ता थे वो माना जाता है रदरफोर्ड को, राइट। रदरफोर्ड, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन ने, जिन्होंने एनोड किरणों में किया था। 1887 ईस्वी में घटना हुई थी, वैसे माना जाता है 1919 में रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी प्रोटॉन की, राइट। तो यहां से आपको प्रश्न मिल सकता है।